हाय वेलकम टू ओपन कंसल्ट, मैं हूं डॉक्टर विशाल और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेनिलोप्लास्टी ऑपरेशन के बारे में। फ्रेनिलोप्लास्टी ऑपरेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस बीमारी के लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब डिटेल्स मैंने एक दूसरे वीडियो में बताई है जो कि मैं ऊपर लिंक कर देता हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि ऑपरेशन होने के बाद आपको कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ऑपरेशन हो गया और आप घर आ गए हैं डिस्चार्ज लेके, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपको ऑपरेशन के बाद मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले, अच्छे से आपका वुंड हीलिंग हो और आपकी रिकवरी काफी स्मूथली हो पाए। आपको ध्यान रखनी है आपके ऑपरेशन होने के बाद, वो ये है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्पेशली जब फ्रेनिलोप्लास्टी का ऑपरेशन होता है या फॉर एग्जांपल सर्कमसिजन का ऑपरेशन होता है, तो ये ऐसी जगहों पे होता है पेनाइल रीजन में जहां पे कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली ऑपरेशन के बाद, क्योंकि वहां पे पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो लोग जनरली समझते हैं कि उसको पानी नहीं चलाना चाहिए और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाउएवर इसके कारण अगर आपकी हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो तो आपकी रिकवरी स्लो हो सकती है, हैम्पर हो सकती है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है अपने फ्रेनिलोप्लास्टी ऑपरेशन के बाद, वो ये है कि हाइजीन मेंटेन करके रखिए। अब आप हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखेंगे? ऑपरेशन होने के बाद जब आप घर आएंगे, तो आपको जो स्किन जहाँ पे फ्रेनिलोम जो नीचे के साइड में रहता है वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, तो आप धीरे से उस स्किन को पीछे की तरफ खींच के नहाने वाले गर्म पानी से उसको क्लीन कर सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जब आप अपनी स्किन को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ रेडिश डिस्चार्ज या कोई व्हाइटिश डिस्चार्ज, कोई ब्लड जैसा दिखने वाला डिस्चार्ज मिले। वो देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज वहाँ पे सूचर्स हैं, सर्जरी हुई है, एक कोई घाव है, कोई वुंड है जो कि हील होने की कोशिश कर रहा है, तो बॉडी में से ऐसे डिस्चार्ज होना एक्सपेक्टेड है। कुछ रेडिश ड्राइड स्कैब जैसा या कुछ कड़क कड़क पपड़ी जैसा मटेरियल भी मिल सकता है, विच इज नथिंग बट ड्राइड ब्लड, विच जिसको कि देख के आप पैनिक ना होइए, आप उसको भी गर्म पानी से जेंटली निकाल सकते हैं। ऐसा दिन में एक ही बार करना है, बार बार करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वरना हो सकता है कि आप ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो ये तो हो गया कि हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। इसके बाद एक बार आपने उसको साफ कर दिया, तो आप एक साफ कपड़े से उसको ड्राई कर दीजिए, एंड अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई एंटीबायोटिक क्रीम बताई है, तो वो आप अपने स्टिचेस के पास लगा सकते हैं और फिर से अपनी स्किन को आगे की तरफ रोल कर दीजिए। उसके बाद आप यही प्रोसीजर रात में भी रिपीट कर सकते हैं, या अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो तो आप दिन में एक बार करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आपको जो चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए ऑपरेशन के बाद, वो ये है कि वहाँ पे पेन हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग यानी कि सूजन आ सकती है, और जैसा कि मैंने बताया वहाँ से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज यानी रेडिश डिस्चार्ज, व्हाइटिश पानी जैसा डिस्चार्ज आ सकता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेशन करने के दौरान वहाँ पे कुछ टिश्यूज को कट किया जाता है और वहाँ पे कुछ स्टिचेस लिए जाते हैं, तो किसी भी टेक्निक से ऑपरेशन किया गया हो, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और पेन ये सब तो उनमें कॉमन ही रहता है। किसी टेक्निक से कम होता है, किसी टेक्निक से ज़्यादा होता है, बट ज़ीरो कभी नहीं होता। तो आपको इसको ठीक करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ खानी है जो आपके डॉक्टर ने आपको बताई होंगी, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन या पेन किलर मेडिकेशन। हालांकि ये दवाइयाँ जो है वो कुछ ही दिनों तक चलेंगी, जो स्वेलिंग है, जो रेडनेस है, वो धीरे धीरे कम होगा और वो कम होने में अपना समय लेगा। इतना समय लेगा, लगभग 2 से 4 हफ्ते तक वहाँ पे स्वेलिंग और पेन और इन्फ्लेमेशन रह सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो पेन या स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन है, वो हर हफ्ते हफ्ते धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए। अगर वो धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है लेकिन उल्टा होके कि वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और ये चेक करवाना चाहिए कि कहीं वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया। वैसे नॉर्मली ये होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं फ्रेनिलोप्लास्टी के सर्जरी में। तो पेन होगी, स्वेलिंग होगी, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है दवाइयाँ कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़े अपने डॉक्टर से, लेकिन 2 से 4 हफ्तों के बीच में ये सारे सिम्टम्स भी सबसाइड हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप अपना ऑफिस का काम, सब्जी लाना, घर का काम, 2-व्हीलर चलाना, 4-व्हीलर चलाना, स्टेयरकेस चढ़ना उतरना कब शुरू कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि आप ये जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी शुरू कर सकते हैं, इसका ऑपरेशन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर कम्फर्ट लेवल। अगर आप कम्फर्टेबल हैं
ऑपरेशन के बाद दो दिन में या एक दिन में या तीन दिन में सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए या ऑफिस जाने के लिए, तो आप जितना जल्दी कंफर्टेबल है उतनी जल्दी आप शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात आती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की या जिम जाने की या स्विमिंग करने की, तो उसमें आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इसके कारण वहाँ पे स्वेटिंग भी हो सकता है, इंजरी हो जाए तो आपके रिकवरी जो है वो और डिफिकल्ट हो सकती है, पेन जो है वो ज़्यादा हो सकता है। स्पेशली स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि हाइजीन बहुत इजीली कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वहाँ पे जो पानी जाता है उसके पानी के थ्रू आपके जो स्टिचेस है फ्रेनिलोप्लास्टी के वहाँ पे इन्फेक्शन पहुँच सकता है एंड आपका जो घाव है वो ठीक से भरने में तकलीफ हो सकती है। तो स्विमिंग इज समथिंग दैट आई विल नॉट एडवाइज यू टू स्टार्ट फॉर अनदर 4 to 6 weeks, जब तक कि वो घाव पूरी तरह भर ना गया हो, जो स्टिचेस हैं वो पूरी तरह डिजॉल्व ना हो गए। आजकल जनरली सब जगह डिजॉल्व होने वाले स्टिचेस यूज होते हैं, बट फिर भी उनको डिजॉल्व होने में कम से कम 2 to 3 हफ्ते लगते हैं। नेक्स्ट बात ये आती है कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कैसे शुरू कर सकते हैं। एक बार आपकी फ्रेनिलोप्लास्टी हो गई सर्जरी, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 6 weeks। कुछ लोग की रिकवरी स्लो होती है, कुछ लोग की रिकवरी फास्ट होती है, बट ऑन एन एवरेज 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक का समय लग जाता है लोगों को पूरी तरह रिकवर होने में और वहाँ पे जो स्किन है उसको स्ट्रॉन्ग बनने में, जो पूरे टाके हैं उनको गिर जाने में। इसीलिए कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अनदर 4 to 6 weeks फ्रॉम योर सर्जरी। ऑल्सो मास्टरबेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अनदर 4 to 6 weeks आफ्टर योर सर्जरी। 4 to 6 weeks होने के बाद में भी अगर आप किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम आप यूज कर सकते हैं, इससे ना सिर्फ वो जो वूंड है, जो वहाँ पे डेलिकेट स्किन है जहाँ पे सर्जरी हुई है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, बट ओवरऑल आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो जिसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपकी फ्रेनिलोप्लास्टी की सर्जरी हुई है तो आप कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं ऑपरेशन से डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या इससे ज़्यादा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो बेशक आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लिव हेल्दी लिव स्मार्ट।